विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा ने सोमवार को अनिल टॉकीज मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह से विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, जिला अध्यक्ष श्रवण राय, सरोज सिंह, योगेंद्र यादव, राजकुमार अग्रवाल शामिल हुए। सभा के दौरान राज्यसभा सांसद ने झरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए हेमंत सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। कहा कि राज्य के इस जेलों में बंद अपराधी अब कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ही मुख्य रूप से पार्टी की पूंजी है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता के बीच नेता बनाते हैं और हर स्तर के सांगठनिक कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ता ही संगठन को जनता के बीच मजबूत भी बनाते हैं। कहा कि नेताओं को रोज सम्मानित किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को वही करना होता है जिसका संकेत पार्टी की ओर से दिया जाता है। जहां अपना परिवार रहता है वहां थोड़ा सा नोक झोंक होते रहता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब हमारे घर का परिवार है। और बड़ी बात है कि बड़ी उपलब्धि के बाद आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखी गई थी। और भारतीय जनता पार्टी का एक रूल है जो एक कहावत है कि हर कामयाबी के पीछे किसी का ना किसी का हाथ होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे कार्यकर्ता का हाथ होती है। आप उदाहरण है कि धनबाद लोकसभा में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, एक से एक अफवाह हवा को विराम देते हुए जिस तरह से हर चुनौती को 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेता सभी लोगों ने अपना कड़ी मेहनत के साथ इस कड़ी चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव हम लोग जीते और बहुत अच्छे मतों से जीते। आज पूरे हम कह सकते हैं झारखंड प्रदेश, झारखंड बिहार, संयुक्त झारखंड बिहार में सेकेंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रहती है तो कार्यकर्ताओं की रहती है। ये कैडर बेस मास ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज शपथ लिए, उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और खास करके आज के कार्यक्रम में झरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और कार्यकर्ताओं का हम सब लोगों ने मिलकर के अभिनंदन किया कि आपने ढुल्लू महतो जी को जहां